अरे वंशु, वंशु बेटा, वंशु, अरे अरे बिटिया, बदतमीज, हाथ कैसे लगा दिया तूने? शर्म नहीं आती तेरे को? अरे बेटा, ये मेरी बिटिया है, बिटिया? मेरे लड़के की वाइफ। ओ बुड्ढे, क्या बकवास कर रहे हैं तू ये? अरे बेटा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा ससुर है। ससुर? हाँ वंशु। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अरे बेटा क्यों झूठ बोल रही है? बेटा ये झूठ बोल रही है, मेरे लड़के की वाइफ है। और 2 साल पहले मेरा बेटा शहीद हो गया था। और देखो ये 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 फोटो रहा, ये मेरा बेटा और ये वंशु। अरे मैं नहीं। ये क्या है? मैं नहीं हूँ ये, मैं अभी अनमैरिड हूँ, मेरी शादी तो इससे होगी। अरे बेटा देख, तू ही तो है ये। अरे ये मैं नहीं हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन बेटा, कौन शहीद, कौन बहू? अरे बेटा ये मेरे हार्दिक बेटे की बहू है। मेरा बेटा आर्मी में शहीद हो गया था और उसके बाद 2 साल हो गए। ये बहू पता नहीं किसने क्या सिखाया, क्या सोच के इसने घर छोड़ दिया था। और मैं 1 साल से इसको ढूंढते हुए फिर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, एक छोटी सी बिटिया है इसकी। आप ये ध्यान से देखो ना, यही तो है, ये वंशु ही है फोटो में। ऐसे मैं पागल नहीं हूँ बेटा, मैं एक बाप हूँ, शहीद का बाप। और उस छोटी सी बिटिया के लिए इसको दर बदर 1 साल से ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। बिटिया अपने घर चलो, मेरे लिए ना सही, उस नन्ही सी जान के लिए चलो बेटा, चल बेटा घर पे। अरे तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, खामखा पीछे पड़ रहे हो, बहू बहू बहू, और अब बेटी भी आ गई मेरी। इस फोटो में मैं नहीं हूँ, इस फोटो में जो होगा ना मेरी शक्ल का होगा, किसी और को ढूंढो जाके। खामखा पीछे पड़ रहे हो मेरे। अबे ओ बुड्ढे, क्यों हमारा टाइम खराब कर रखा है? चल चल अपना काम कर। वंशु बेटा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। क्या वंशु वंशु लगा रखा है? मेरा नाम वंशु नहीं है, मेरा नाम गीतिका है। हाँ हाँ गीतिका है इसका नाम। नहीं बेटा, तू वंशु ही हो, मेरी इतनी यादाश्त भी नहीं गई है। और 1 साल से मैं दर बदर तुझे ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, आज मिली है बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे साथ घर चल बेटा। अरे कौन से घर चलूँ, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ आपकी बहू, आपको समझ में नहीं आ रहा? एक बार में चिल्ला कर समझा दिया, प्यार से समझा दिया, अकल वकल है आपके दिमाग में नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि तू वंशु नहीं हो? नहीं बेटा, 2 साल पहले की तो बात है बेटा, मुझे नहीं पता तू क्या सोच के झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उस छोटी सी बिटिया को सोच के इसीलिए सच बोल रहा हूँ। बिटिया उसको संभाल ले, संभाल ले, वो दिन रात कहती रहती है मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। चल बेटा बहुत हो गया, यहाँ से चले जाओ, हमको लेट हो रहा है, हमको जाना है, चलो बेटा। चल, चल बेटा, एक बार समझाओ तुम इसको। क्या समझाऊ मैं इसे, चल बेटा। तुम अच्छे परिवार से लग रहे हो, पढ़े लिखे भी लग रहे हो बेटा। वंशु बिटिया मेरी तो नहीं बात मान रही, अगल समझ रही है, लेकिन बेटा तुम समझो इस बात को, ये शादीशुदा है, मेरे बेटे की वाइफ जो शहीद हो गया, और ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। बेटा मां तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम इससे शादी नहीं कर सकते, ये मेरे बेटे की वाइफ है और एक नन्ही सी गुड़िया की माँ है, उस गुड़िया की जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा, इसको मेरे साथ भेज दो बेटा, भेज दो। वंशु बेटा चलो घर। अरे बार बार वंशु वंशु बोल रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है, इस बुड्ढे के ऊपर विश्वास कर रहे हो? हम दोनों कितने टाइम से हैं, अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, तुम इसके ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हो? मेरा नाम गीतिका है, ये पागल है, पता नहीं कहां से आ गया।
बेटा मुझे नहीं पता क्या बात है क्या नहीं, लेकिन बिटिया मैं तुम्हारे अरे क्या कर रहे हो, पैर पकड़ रहा हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ। घर चलो बेटा। नमस्ते जोगिंद्र जी। नमस्ते जी। अरे आप कहाँ रहते हो, एक महीना हो गया मेरे को आपको ढूंढते ढूंढते, आपके घर पे जाता हूँ आप घर पे नहीं मिलते, कहाँ रहते हो आप? माफ करना भाई साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जोगिंद्र जी मैं ग्रामीण बैंक से बैंक मैनेजर राजीव शर्मा हूँ, और जो आपके बेटे हार्दिक थे वही हमारे बैंक में डील करते थे, तो आप मेरे को कैसे पहचानोगे? और उनके एक्सपायर होने के बाद, उनके शहीद होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है ना, मैं वही 50 लाख रुपए जो आपके नाम सेंक्शन हुए हैं वो चेक आपको देने के लिए आया हूँ सर। लीजिए सर 50 लाख। ये लीजिए सर, संभालिए अपनी अमानत को। अरे सर इन 50 लाख रुपए की नॉमिनी मैं हूँ, इन पर मेरा अधिकार है। सॉरी मैम, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? सर मैं इनके बेटे की वाइफ हूँ, ये 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आने चाहिए। बेटे की वाइफ? अभी तो तुम मना कर रही थी कि मैं मैरिड हूँ। अरे तुमसे मैं बात मत करूँगी, तुम साइड हो। सर ये 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आने चाहिए, इनकी नॉमिनी मैं हूँ। सॉरी मैम, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि आप नॉमिनी थे, लेकिन अब नॉमिनी हार्दिक का बाप है। बाय द कोर्ट ऑफ लॉ नई गाइडलाइन आई है मैडम, जिसके अकॉर्डिंग आज के बाद जो भी शहीद होगा उस शहीद की सारी प्रॉपर्टी और पैसे के ऊपर उसके माँ बाप का हक होगा, उसकी बीवी का नहीं। क्यों, ये कब से होने लग गया, ये रूल कब से बना सर? पहले जो शहीद होते थे उनकी वाइफ ही नॉमिनी होती थी, उनका सारा पैसा उसकी वाइफ को मिलता था। ऐसा होता था मैडम, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। कोर्ट के नए ऑर्डर आए हैं कि शहीद का जो भी पैसा होगा वो माँ बाप को मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत से केस देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं, रोज न्यूज़पेपर में आता है कि शहीद के पैसे को बहू ने ले लिया, बाद में उसने अपना नया घर बसा लिया, उसकी तो दूसरी जिंदगी बस गई, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप का क्या, जिन्होंने अपने बेटे को भी खोया और अपने बेटे की कमाई को भी खोया। तो उस चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने ये नया ऑर्डर दिया है कि आज के बाद जो भी शहीद का पैसा होगा वो उसके माँ बाप को ही मिलेगा। सो बींग द फादर ऑफ हार्दिक कुंडू, दिस मनी बिलोंग्स टू हिम, नॉट टू यू मैम, आई एम सॉरी। ये लीजिए सर। शर्मा जी, पता नहीं इन पैसों के लालच ने कितने ही परिवारों को अलग कर दिया, और ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं है। बेटा शहीद हुआ था, गर्व किया था अपने आप पे कि बेटा देश के काम आया, बाद में बहू है पोती है उनके साथ जीवन गुजार लूंगा, और अब बहू ने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, नहीं जानती मुझे, तो ये पैसा नहीं चाहिए मुझे, ये पैसा आप उन परिवारों को दीजिए जो बेसहारा हैं, आप उन बेटियों पे कर्ज कीजिए जिनकी शादी का खर्चा माँ बाप नहीं उठा सकते, उन वर्ध आश्रम में कीजिए जहाँ पर औलाद अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल के उसको वर्ध आश्रम में छोड़ देती है, ये पैसा उन अनाथ बच्चों को दीजिए जिनके माँ बाप उन्हें पैदा होते ही सड़क पे फेंक जाते हैं उनके खर्चे पाने के लिए। शर्मा जी मुझे इस पैसे की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे पैसा। पिताजी ये 50 लाख रुपए आपके हैं, आप उनमें बांटकर क्या करोगे? सर ये पैसे इन करिए। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन पिताजी? मैम मेरे याद आ गई कि आप मेरे पिताजी थे। कहीं याद आ गई, तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी, कोमा में थी, बेहोश थी, तो तुम्हें याद आ गया सिर्फ और सिर्फ। शर्मा जी मैंने कहा था ना पैसे की ताकत, और अब ये कहने लगी पिताजी, अब तक बोल रही थी ये बूढ़ा कौन है। बेटा मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा,
जो अपने ससुर जो बाप की तरह था उसको नहीं पहचाना, उस छोटी सी बुढ़िया को नहीं पहचाना, वो तुम्हारा साथ क्या देगी? शर्मा जी, आप इस पैसे को ले जाइए। नहीं 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 पिताजी, आप मेरी बात को तो समझो, मुझसे गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दो। माफ तुम कर दो मुझे, माफ तुम कर दो, मैं नहीं जानता तुम्हें, कौन हो तुम, नहीं जानता। ऐसे मत करो पिताजी। मैम मैम मैम, ऐसा है, इस पैसे के वारिस ये हैं जोगिंदर जी, जो चाहे इस पैसे का कर सकते हैं, अगर इन्होंने ये डिसीजन लिया है तो ये इनका खुद का डिसीजन है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। सर के ये आपका आखिरी फैसला है? पिताजी नहीं पिताजी, ठीक है सर, जोगिंदर जी, जोगिंदर जी ये लीजिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको ये साइन करने होंगे, ये हमारी फॉर्मेलिटी होती है बैंक की, अगर आपको ये पैसा नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। पिताजी मेरे चाहिए, मुझे मत बोल मुझे, पिताजी नहीं जानता मैं तुझे, नहीं जानता, चली जाओ मेरी नजरों से दूर। ये लीजिए जोगिंदर जी, नहीं जानता, एक रिक्वेस्ट है शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी पोती है छोटी सी जी, मैं उसको पढ़ा लिखा के बड़ी अफसर बनाऊंगा, शायद मैंने पिछले जन्म में कोई गलती हुई होगी जिसकी सजा मुझे मिल रही है, लेकिन मैं अपनी पोती पे अगर जरूरत पड़ी तो कुछ पैसा आपसे लूँगा, वरना मुझे जरूरत नहीं है, इतना मैं सक्षम हूँ कि मैं अपनी पोती को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर कर दूँ, बाकी आप ये पैसा उन जरूरतमंदों के लिए लगाएं, भगवान बहुत खुश होगा। क्या बात है, क्या बात है कुंडू साहब, आई रियली सैल्यूट टू योर होली थॉट्स, कसम से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके जो थॉट्स हैं ना, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके नेक विचार हैं, आजकल ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन कुंडू साहब आपने आज एक मिसाल कायम की है, सैल्यूट टू यू। ठीक है सर। अच्छा कुंडू साहब, चलता हूँ। केशव केशव मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने अभी जो भी तुम्हारे साथ किया, मैं ना तुमसे शादी करूंगी और हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे। चुप हो, जब तू अपनी बेटी की बाप की ही नहीं हो सकती तो मेरी क्या होगी, चल हट। केशव नहीं, केशव जिस माँ बाप ने अपना बेटा बड़े गर्व के साथ आर्मी में भर्ती करवाया और वो शहीद हो जाता है तो सरकार सारा पैसा बहू के नाम कर देते हैं, और बहू, बहुत से घर ऐसे हैं जिसकी बहुएं अपनी दूसरी शादी करके कहीं और रह जाती हैं, पैसा धन दौलत जो भी प्रॉपर्टी है बहू ले जाती है, लेकिन माँ बाप के पास क्या बचा, माँ बाप के पास ना ही बेटा बचा ना ही पैसा, क्या कसूर था? तो यही एक छोटा सा संदेश आपके बीच देने की कोशिश की है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।